आज हमारे देश में जिस तरह से कृषि को लेकर के तीन काले कानून बनाए गए, आज लगातार हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लगातार पिछले 10 महीने से अपने घर को, अपने परिवार को, अपने खेत को छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर पे, टीकरी के बॉर्डर पे, गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, राजस्थान के शाजापुर के बॉर्डर पे हजारों हजारों की संख्या में इन कृषि के तीनों काले कानूनों को खत्म कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, आज आप यहां लाखों की संख्या में आए हो, आप जो हमारी लड़ाई को 10 महीने से लड़ रहे हैं उनको आश्वस्त करो, दोनों हाथ खड़े करके ये बता दो कि जब तक कृषि के तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना हर जरूरी काम छोड़ करके इस आंदोलन में अपना योगदान देने का काम करेगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम कानून बदलना चाहते हैं। वहीं साथियों, आज जब चौधरी देवीलाल जी की 108वीं पुण्यतिथि के लिए, इस सम्मान दिवस समारोह के लिए हमने जींद में इसको मनाने का जब ऐलान किया तो कहीं उस दौरान किसान मोर्चा की तरफ से यह फैसला ले लिया गया था कि हम 25 तारीख को भारत बंद करेंगे। मैं उन किसान मोर्चा के नेताओं का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, जब हमने उनके सामने ये बात रखी कि 25 को तो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है और हरियाणा प्रदेश का एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान साथी, माताओं और बहनें लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हुए भारत बंद का आह्वान 27 तारीख को रखा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 27 तारीख को जो भारत बंद किया जाएगा उसमें भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस बंद को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। आज हमारे बीच में जहां किसानों के हितैषी बड़े बड़े नेता आए, वहीं आज हमने इस लगातार 10 महीने से अलग अलग बॉर्डर पे बैठ करके किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहे साथी थे, जिनमें हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे, नौजवान थे, जिन्होंने अपने प्राणों की शहादत देकर के इस आंदोलन को मजबूत किया। मेरे दाई तरफ उन शहीदों के परिवार से बहुत सारे लोग, आज बहुत सारे साथी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, जहां शहीदों के परिवार से हमारे साथी यहां मौजूद हैं, वहीं ओलंपिक के अंदर नाम रोशन करने वाले इस देश के, हरियाणा प्रदेश के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी स्वयं भी आए हुए हैं, और जो खिलाड़ी आज हमारे बीच किसी वजह से पहुंच नहीं पाए उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं। मैं सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को आपके बीच में आमंत्रित करूं, उससे पहले इन सबको सम्मानित करने के लिए
मैं खास करके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए अर्जुन चौटाला जी को, सूबे सिंह अटेला जो हमारे प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको, और निर्मल सिंह संधु, इनसे कहूंगा कि वो जाकर के उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करें। साथियों, लगातार कांग्रेस के लोग एक प्रचार इस प्रदेश में कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को इस बात का डर और भय है कि आने वाले समय में जब हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखा जाए, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लड़ा देगा। आने वाले समय में उनको इस बात का डर और भय भी है कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी, इसलिए ये कांग्रेसी लगातार प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि पहले जननायक जनता पार्टी वालों ने बीजेपी को समर्थन देकर के सरकार बना दी, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेगी। हम जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के उन लुटेरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे जिन्होंने लगातार इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, लगातार इस प्रदेश के किसान को कमजोर करने की कोशिश करी है, जहां कर्मचारी को परेशान किया, व्यापारी को लूट लिया। ऐसे लोगों के साथ जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर इनको कोई सबक सिखाने का काम करेगा तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करने का काम करेगी। वहीं साथियों, उसके साथ साथ पिछले दिनों में लगातार हरियाणा प्रदेश में बहुत बारिश का कहर रहा है, लगातार बारिश हुई है। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में किसान की फसल, चाहे कहीं बाजरे की थी, चाहे कहीं ग्वार की थी, कहीं मूंग की थी, कहीं कपास की थी, इस बारिश की वजह से किसान की फसल बर्बाद हुई है। आज मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आने वाले 15 दिन में किसान के खेत की जो फसल खराब हुई है उस फसल का जहां गिरदावरी कराई जाए, वही 15 दिन में 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे करके उस किसान को अगली फसल की तैयारी करके उसकी मदद करने का काम करें।